नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। रेलवे मंत्रालय, दूर संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय, बड़े भारी मंत्रालय और जिम्मेदारी एक कंधे पर। नाम है अश्विनी वैष्णव और आज के इस खास एपिसोड में हम मुलाकात करवाएंगे अश्विनी वैष्णव से। और बड़ी बात यह है कि मंत्रालय पद की जिम्मेदारी मिलने के बाद में ये पहली बार है जब वो टीवी से बात कर रहे हैं। दिल खोल करके बात करेंगे, लेकिन उसके पहले सर एक ऐसे लम्हे का जिक्र करना चाहूंगा कि जब हमने देखा कि आपकी आंखों में भी नमी थी, आपके माता पिता की आंखों में भी नमी थी, 3 महीने मंत्रालय पद मिलने के बाद आप घर पहुंचे थे, बड़ा भावुक पल था। आप किस तरीके से इसको बयां करना चाहेंगे? गत 7 जुलाई को जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिम्मेदारी दी, उस वक्त पिताजी ने फ़ोन करके बोला कि बेटा देखो ऐसी जिम्मेदारी दी है, पूरे 24 के 24 घंटे देश के लिए समर्पित कर दो और कोई ये स्वागत सभाएं ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ अच्छा काम करो तभी आना। तो अभी हाल ही में टेलीकॉम में कुछ अच्छे काम हुए और रेलवे में भी वंदे भारत का प्रोडक्शन एक लाइन पे आया है, तो फिर मैंने कुछ करा पहले कुछ परफॉर्मेंस के बाद में फिर लगा कि अब मुलाकात कर लेनी चाहिए, जाना चाहिए। बिल्कुल। तो अब चूंकि आपने जिक्र किया सर दूरसंचार का, रेलवे का, तो शुरुआत दूरसंचार से ही करते हैं। बिग बैंग रिफॉर्म जो सरकार का है, जो मोदी सरकार का विजन है, वो आपने अनाउंस किया, वो आपने कैबिनेट के फैसले के बाद अनाउंस किया। इसके आगे की समझना चाहता हूं कि क्या रोडमैप सरकार देख रही है, क्योंकि ये सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर बहुत स्ट्रेस्ड है, फाइनेंशियली काफी उसमें कंपनियां दिक्कतों में हैं। ये रिफॉर्म्स कितना मददगार होंगे और सरकार किस तरीके से इसको प्लान आउट कर रही है? बहुत क्लियर थिंकिंग है। जब तक टेलीकॉम एकदम गरीब से गरीब, शोषित, अवहेलित आदिवासी क्षेत्रों में नहीं पहुंचेगा, तब तक उस क्षेत्र के बीच में और शहर के बीच में जो डिजिटल डिवाइड है वो डिवाइड कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। इसके लिए ज़रूरी है कि टेलीकॉम सेक्टर एकदम स्ट्रांग रहे और उसकी स्ट्रेंथ इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ हो। इंडस्ट्री अगर स्ट्रांग रहेगी तो हर क्षेत्र में वो पहुंच सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि हम वो सब काम करें जिससे इंडस्ट्री को स्ट्रेंथ मिले। और आज टेलीकॉम में एक पब्लिक गुड का एक एलिमेंट भी हमने समझा है। कोविड के समय आपने देखा जिस तरह से टेलीकॉम पे निर्भरता हमारी रही, और ये मोदी जी का विजन था, डिजिटल इंडिया का विजन, इन्होंने शुरू से आते ही इसको संस्थागत तरीके से सुधारना चालू किया। तभी हम कोविड के समय में इतना संभाल पाए देश को। बिल्कुल। तो अब उसी दिशा में ही हम सोचते आए, उसी दिशा में सोचेंगे। ये इसमें जो कंपनियां क्षेत्र में हैं, आप जाहिर है उसको जानते हैं कि कितना उन पर फाइनेंशियल स्ट्रेस है। AGR का मसला इस वक्त सबसे बड़ा पेचीदा मसला बना हुआ है, उसको लेकर के भी बीच का रास्ता निकाला हुआ था। क्या मत है सरकार की, राय क्या है कि भविष्य में कहीं मोनोपोली जैसी स्थिति ना बन पाए, कंपटीशन बरकरार रहे, उसको लेकर के किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं? किसी भी इंडस्ट्री में हेल्दी कॉम्पिटिशन रहना ज़रूरी है। हेल्दी कॉम्पिटिशन रहता है तो टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड, कस्टमर को किस तरह से लॉयल बनाना, किस तरह से नई फैसिलिटीज़ कम से कम कॉस्ट पे लाना, तो हेल्दी कंपटीशन ज़रूरी है। अगर स्पेसिफिक्स की बात करूं, जो वोडाफोन के जो इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है आने वाले समय में वो से उभर पाएगी, या सरकार चाहेगी कि अगर वो नहीं उभरती है तो कम से कम सरकार पूरा एक्टिव रोल लेकर के आगे जाएगी और उसमें अपने लिए कुछ इक्विटी शेयर या किसी भी रूप में अपने आप को देखती है कि जहाँ पर वो अपना रोल प्ले कर सकती है? हाल ही में जो रिफॉर्म्स हुए हैं उन रिफॉर्म्स से हर पूरे के पूरे सेक्टर को फायदा होगा, पूरे सेक्टर को सुविधा मिलेगी और मेरे ख्याल से कोई भी कंपनी ऐसी परिस्थिति में नहीं आएगी कि उसे उसमें गवर्नमेंट को इंटरवेंशन करना पड़े। 5G टेक्नोलॉजी पर लगातार आप पुश कर रहे हैं, मैं आपके कई कार्यक्रमों में शामिल हुआ और आप ये बात लगातार कहते आ रहे कि 5G जो है वो गेम चेंजर होने वाला है। 5G को लेकर के क्या आपने रोडमैप सेट किया, कब आप उसके स्पेक्ट्रम के एलोकेशन की तरफ आप बढ़ेंगे और 5G का जो रोल आउट आप करना चाहते हैं उसमें कुछ नया कदम भी शामिल करेंगे क्या आप? दो बड़ी बातें हैं। सबसे पहली बात कि भारत में बनी हुई टेक्नोलॉजी, भारत में विकसित की हुई टेक्नोलॉजी दुनिया भर में जानी चाहिए, 4G 5G दोनों में। और ये मौका है क्योंकि हमारे ही तो देश की ब्रेन्स दुनिया भर के लिए डेवलपमेंट करती है, दुनिया भर के लिए डिज़ाइन करती है, तो ये बहुत बड़ा गेम चेंजर होगा कि भारत की बनी हुई 4G और 5G टेक्नोलॉजी दुनिया भर में कम्पीट करेगी। पहला। दूसरा, साधारण नागरिकों की तरफ अगर हम देखें,
5G से जो बेटर फैसिलिटीज मिलेगी, बेटर बैंडविड्थ मिलेगी, बेटर डेटा की स्पीड मिलेगी, उससे जो आज शिक्षा सारी फैसिलिटीज जो मोबाइल फोन पे आती है हमारे, उसमें बहुत बड़ा फायदा। तो उसके रोल आउट का भी प्रॉपरली आप सोच रहे हैं कि नेक्स्ट? बिल्कुल, जितनी शीघ्र जितना जल्दी हो। इसके अलावा BSNL और MTNL को लेकर के भी सरकार, उसका सॉल्यूशन क्या देख रही है? मैं सीधे तौर पे इस BSNL MTNL का बहुत स्ट्रेटेजिक रोल है किसी भी सेक्टर में, जहाँ पे कम्युनिकेशन जैसे स्ट्रेटेजिक सेक्टर में PSU का होना जरूरी है। उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हाल ही में बहुत अच्छे फैसले किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अभी और भी, सबसे पहली बात तो BSNL का 4G का रोल आउट चालू हो जाएगा बहुत जल्दी। BSNL का 4G का रोल आउट होने से ही अपने आप में एक नई ऊर्जा रहेगी। उसके अलावा भी जो कुछ भी उनके स्पेक्ट्रम के लिए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो जरूरत होगा वो देश में करेंगे। सर, आपके कंधों पर पोस्टल डिपार्टमेंट की भी बड़ी जिम्मेदारी, अहम जिम्मेदारी है, लेकिन इस डिपार्टमेंट की खासियत बड़ी यही है कि ये रूरल कनेक्ट इसका काफी बेहतर है, इसका जो नेटवर्किंग रूरल एरिया में काफी बेहतर है। इस पूरी जो इसकी ताकत है विभाग की, इसको आप कैसे और इस्तेमाल करना चाहेंगे, चाहे वो लॉजिस्टिक्स के पर्सपेक्टिव में हो या सरकार की योजनाओं को लेकर के आगे जाना हो, क्या किस तरीके का विजन है आपका? देश भर में करीब 1.5 लाख गांवों में पोस्टल डिपार्टमेंट की प्रेजेंस है जी, और जिम्मेदार प्रेजेंस है, जिसके ऊपर 100 साल से अधिक का एक इतिहास है, ट्रस्ट है। तो प्रधानमंत्री जी ने गत कुछ वर्षों में पोस्टल डिपार्टमेंट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, आपने सबने, आपको सबको पता ही है, पेमेंट बैंक की सुविधा की, पेमेंट बैंक का स्ट्रक्चर लाए। पेमेंट बैंक के स्ट्रक्चर से क्या हुआ कि गांव के साधारण से साधारण परिवार के पास भी बैंक पहुंच गया आपके द्वार। मैं अभी 1.5 महीने पहले कई क्षेत्रों के, बिल्कुल दूर दराज के क्षेत्रों में लोगों से मैंने बात की फोन पे, तो लोगों ने बताया कि भाई पहले हमको सैलरी निकालने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अब ये सुविधा मोदी जी ने हमारे घर तक पहुंचा दी। तो बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, और उसी को आप चाहेंगे कि जो इसको आगे बढ़ाएंगे। और दूसरी बात ये कि जेम और पोस्ट ऑफिस, ये दोनों फैसिलिटी जो गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है, ये दोनों जुड़ जाए तो कितने ग्रामीण क्षेत्रों से जो प्रोडक्शन होता है, जो हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, उन सबको एक नया मार्केट मिल सकता है। फिर सरकार की जितनी भी DBT की फैसिलिटीज हैं, सुविधाएं हैं, उन सबको किस तरह से एकदम सरल तरीके से गांव तक, घर तक पहुंचा सकें, ये सब पेमेंट बैंक की के जरिए से संभव है। इसी में सर, क्या आप आने वाले वक्त में ये देखेंगे कि जो पोस्टल डिपार्टमेंट की स्ट्रेंथ है वो लॉजिस्टिक यानी कि ई कॉमर्स प्लेयर्स भी इसका फायदा ले सकते हैं और उसमें विन विन सिचुएशन सरकार अपने लिए भी तलाशेगी? एक सुविधा है, जो भी उसका उपयोग करना चाहे, मैं करूं, आप करें, कोई भी करें। बिल्कुल। तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और अब हम उस मंत्रालय की बात करेंगे, रेल मंत्रालय के, जिसमें रोजाना हजारों लाखों लोग सफर करते हैं। इस मंत्रालय में आप एक कदम उठाइए, उससे लोगों को जो फर्क पड़ता है, उनके कंफर्ट लेवल आप बात कर ले, उनके ट्रैवल एक्सपीरियंस की बात कर ले, उसमें जबरदस्त फर्क पड़ता है। पीछे के उठाए गए कदमों को बार बार बताया गया, लेकिन अब और इसको और विजन किस तरीके से रहेगा और बेहतर आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि अल्टीमेटली आप भी कई बार प्रोग्रामों में ये बात आपने कही है कि जो ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है उसका बेहतर बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे? प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से एक संकल्प हम सबके सामने रखा है, 15 अगस्त 2023 से पहले देश के कोने कोने में 75 वंदे भारत देश के कोने कोने को जोड़ेगी। ये प्रधानमंत्री जी का संकल्प, रेल परिवार पूरी तरह से उसको सिद्ध करने के लिए जुटा हुआ है। और नए वर्जन की वंदे भारत, जिसमें बेटर फैसिलिटी है, बेटर राइड क्वालिटी है, जो पहले वर्जन से सीखे, वो सब उसका डिज़ाइन, उसका प्रोडक्शन, उसकी मैन्युफैक्चरिंग ऑलरेडी चालू हो गई है। और पूरा विश्वास है कि 2023 के 15 अगस्त से पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को हम पूरा करेंगे। इसमें क्या टेंडरिंग प्रोसेस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं? क्या प्लेयर्स ने अपनी दिलचस्पी जताई है? बिल्कुल बिल्कुल, हो चुका है टेंडर, हो चुका है, एक दूसरा टेंडर चल रहा है अभी, जिसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और हमारे रेल परिवार के कर्मचारी इसका निर्माण कर रहे हैं, तो उसकी भी हमें खुशी है।
एक बड़ी बात रेलवे में लेकर के ये है कि जो उसका स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की लगातार बात कही जा रही है कि कई विभागों को एक विभाग में शामिल करना, कई डिपार्टमेंट्स को मर्ज करना, इस तरीके का जो प्रपोजल है उसको किस तरीके से मंत्रालय देख रहा है और उस पर किस तरीके का एक्शन अभी तक आपकी तरफ से होता हुआ नजर आ रहा है? रेलवे का जो बहुत पुराना इतिहास है, इस इतिहास में बहुत सारी स्ट्रेंथ्स हैं। सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है? रेलवे का एक ऑफिसर, अगर आप 20-25 साल के एक्सपीरियंस का ऑफिसर लेते हो तो उसका डोमेन नॉलेज बहुत स्ट्रांग होता है, टेक्निकल नॉलेज बहुत ज़बरदस्त होती है, क्योंकि एक ही फील्ड को मजबूती से हर तरह के हर क्षेत्र में जाके दुनिया की कई तरह की टेक्नोलॉजीज़ को देख के सीखा हुआ होता है। हमें उस स्ट्रेंथ को उजागर करना है, हमें उस स्ट्रेंथ में किस तरह से बिना साइलो के, जैसा कि हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, राष्ट्र को आगे रखते हुए, कस्टमर्स जो हमारे यूजर्स हैं रेलवे के उनको आगे रखते हुए, एक आम नागरिक जो बिल्कुल साधारण से साधारण नागरिक है उसके एक्सपीरियंस को सुधारते हुए, उन सब स्ट्रेंथ्स को लेकर उजागर करना है। मेरे ख्याल से रियल रीस्ट्रक्चरिंग माइंडसेट की रीस्ट्रक्चरिंग है कि माइंडसेट ऐसा लाना है जिसमें हम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी वही फैसिलिटीज दें और वही सम्मान दें और उसी तरह से देखें जैसा हम किसी अमीर व्यक्ति को देखते हैं। आप ऐसे समय में रेलवे मंत्रालय की जिम्मेदारी आपने संभाली है जब चुनौतियां थोड़ी ज्यादा हो गई, खासकर बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन के साथ में बहुत उम्मीदें भी जुड़ी हुई हैं, पर पेंच भी है कि जो प्रोग्रेस है वो गुजरात के आगे बढ़ नहीं पा रही है। अभी की स्थिति क्या है और आप किस तरीके से कोशिश या प्रयास कर रहे हैं कि मामला जो है गुजरात से बढ़ करके महाराष्ट्र की तरफ बढ़ पाए? बुलेट ट्रेन का बहुत तेजी से काम स्टार्ट हो गया है और आप अगर जाके देखें सूरत के पास में एशिया की सबसे बड़ी जियो टेक्निकल लेबोरेटरी बनी है। बुलेट ट्रेन का विजन क्या है? बुलेट ट्रेन का विजन देश को एक नए तरीके से काम करने की विजन है। आप जब उस स्पीड की ट्रेन का निर्माण करते हो, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण करते हो, क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स, प्रोजेक्ट की प्लानिंग, इंजीनियरिंग के स्किल्स, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने का तरीका, ये सब बदलता है। जैसे मेट्रो जब आई पहली बार, काफी बिहेवियरल चेंज आया, लोगों के स्किल लेवल में चेंज आया। वही चेंज, वो जो स्टेप चेंज है ना, इंक्रीमेंटल नहीं है, ये स्टेप चेंज है, क्वांटम जंप है, ये क्वांटम जंप बुलेट से आएगा। पर वो जो ये चेंज की आप बात करें वो पहुंच नहीं रहा आगे तक, पहुंचेगा, डेडलाइन लगातार एक्सटेंड हो रही है। देखो, इतना बड़ा प्रोजेक्ट अगर आप करने जाते हो तो सबसे पहला चीज होता है डिजाइन। कॉम्प्लेक्स सिस्टम को डिज़ाइन करने में आपको बहुत समय लगता है और विशेषकर आप एक ऑर्डिनरी इंजन को यहाँ से लेके वहाँ रख लो अलग बात होती है, लेकिन आप 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वाले ट्रेन सिस्टम को जापान में क्या था, ताइवान में क्या है, साउथ कोरिया में क्या है, चाइना में क्या है, अलग है, भारत में क्या होगा, ऐसा नहीं कि उसको सीधा ट्रांसप्लांट कर सकते, उसको आपको उन जड़ों के हिसाब से, उस जमीन के हिसाब से, वहाँ के बिहेवियर के हिसाब से इस डिटेल तक जाना पड़ता है कि भाई एक पैसेंजर का एवरेज वेट क्या है, एक पैसेंजर की एवरेज हाइट क्या है, वो सब देख के डिज़ाइन करना पड़ता है, तो आसान काम नहीं है। बिल्कुल चुनौतीपूर्ण। बुलेट ट्रेन की बात में बात करते हैं प्राइवेट ट्रेन प्रोजेक्ट की, ये बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट रहा है, इसको लेकर के ये कहा गया कि ये पैराडाइम शिफ्ट लाएगा एक्सपीरियंस में, रेल ट्रेवल एक्सपीरियंस में, उसमें पहली जो प्रयास था उसमें सफलता नहीं मिली, अब उसमें किस तरीके के बदलाव हम देख सकते हैं या मंत्रालय उसमें किस तरीके से रीटेंडरिंग प्रोसेस को अप्रोच कर रहा है? सेक्टर गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो, दोनों को मिलके पैसेंजर की सुविधाओं को देखते हुए और एक अफोर्डेबल सिस्टम बनाना, वो सबसे बड़ा माइंडसेट की बात है। तो हमारा माइंडसेट है चाहे प्राइवेट सेक्टर से करो या पब्लिक सेक्टर से करो, किसी भी तरीके से फोकस हमारा अंत्योदय का फोकस है। सर, एक आखिरी सवाल IRCTC से जुड़ा हुआ, IRCTC के पास सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसकी टूरिज्म और साथ ही कैटरिंग एस्पेक्ट को लेकर के, तो कैटरिंग वो विभाग है जिसमें शिकायतें भी ज्यादा हैं, तो किस तरीके से आप प्रयास करेंगे कि लोगों को आने वाले वक्त में टूरिज्म और कैटरिंग ये दोनों पहलू में एक काफी बदलाव बड़ा नजर आए? IRCTC की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसका डेटा, तो हम IRCTC को बोल रहे हैं बिकॉज आप देखो कितने हजारों लाखों करोड़ों पैसेंजर्स का साथ उसका जुड़ाव है,
तो किस तरह से उसका उपयोग करके IRCTC अपने पैसेंजर्स को, यूजर्स को, टिकट खरीदने वाले को, फूड उससे परचेज करने वाले को, उनको किस तरह से बेटर एक्सपीरियंस दे पाए उसकी बात करेंगे। तो डाटा पर आपका फोकस है, किस तरीके से डाटा को और आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने के, जिससे कि कस्टमर एक्सपीरियंस इम्प्रूव हो। ओके, तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ एक खास बातचीत जिसमें हर पहलू पर उन्होंने बात किया, और कुल मिलाकर के सरकार का ये जो फोकस है, जो प्रयास है कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मिले, चाहे मंत्रालय कोई भी हो, और इसके लिए लगातार सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। एक रोल रखना।